आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज शाहीन बाग पर वो पत्रकार बहुत खुश अपने स्टूडियो में नाचते हुए नजर आ रहे हैं जो शाहीन बाग तो गए और उन्होंने शाहीन बाग के लिए ये कहा था कि सीरिया में रिपोर्टिंग करना उनके लिए आसान था पर शाहीन बाग में मुश्किल। और वो पत्रकार भी आज खुश हैं जो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, आज एक कदम शाहीन बाग में नहीं रखा और बड़ी बड़ी बुकराती करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप लोगों को बताते हुए हैरानगी हो रही है कि शाहीन बाग को खत्म कर दिया गया है। शाहीन बाग को खत्म कर दिया गया है इसलिए कि शाहीन बाग सियासत का शिकार हो गया है, उस सियासत का जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी होगी तो राज्य सरकार से साठगांठ करके वो कदम उठवाए जाएंगे जिससे शाहीन बाग को केंद्र और राज्य सरकार के मिले भगत से खत्म कर दिया जाएगा। कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग कुछ पुलिस वालों को इसका दोषी मान रहे हैं पर पुलिस वाले दोषी तो हैं पर उसी के साथ साथ दिल्ली सरकार ही उतनी बड़ी दोषी है जितनी दिल्ली पुलिस, जितनी की केंद्र सरकार। जो वीडियो सोशल मीडिया पर हम लोगों के पास आए हैं, पहले उन वीडियो पर नजर डाल लीजिए कि आखिरकार आज शाहीन बाग में क्या हुआ है। और बताओ ना यहाँ के कितने गद्दारी ऊपर चढ़वाजे बिल्डिंग के गद्दारी तो भाई साहब, ये तो दल्लों की पहचान होती है, बुक पर अपने पता चल गया ना कौन कौन है इधर। भाई बैठ जाओ बैठ जाओ शीशे की तरफ से एकदम बना, शीशे के एकदम लगा करके वरना फिर क्लियर नहीं होगी। जो कुछ भी सब लेके नीचे, अरे भाई वो पीछे इधर देख रहे हैं झंडा देखने कब ले सही और इंडिया भी उठ रहा है, इंडिया का ब्रांड इंडिया बड़ा वाला वो जो है सात बज के दस मिनट या छह मिनट कुछ हो रहे थे। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अरे हमें अपने ग्रुप में भेजना, सारे अपने 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 भेज रहे हैं, आ जाओ बुलाने के लिए।
धीरे धीरे पब्लिक इकट्ठी हो रही है यहाँ पर, अनाउंस हो रहा है। पूरे चारों तरफ वो देख वहाँ हटा दिया। हाँ दुआ करो अल्लाह से, दुआ करो सब बैठ के। तो दोस्तों आपने देखा कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट को किस तरीके से पुलिस ने खत्म किया। पुलिस वाले खुद टेंट को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तख्तों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बुलडोजर चलवाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भारत का नक्शा बना हुआ था उस नक्शे को खुद तोड़ते हुए पुलिस वाले नजर आए। पर कुछ बुकराती करने वाले एंकर सिर्फ दिल्ली पुलिस को इसका कसूरवार मान रहे हैं। पर आप लोगों को बताना चाहूं, कल ही ये तस्वीरें फाइनल हो चुकी थी कि शाहीन बाग को ये लोग खत्म करने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि शाहीन बाग पर लाठी भी चला ली, गोली भी चला ली, ताली भी बजा ली और थाली भी बजा ली, फिर भी नहीं हटे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ आना पड़ा और उसका शिकार शाहीन बाग हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताना चाहूंगा। कल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर, आज कई लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, ये कतई मंजूर नहीं, इस सब की सेहत खतरे में पड़ती है, दिल्ली में इसको सख्ती से लागू किया जाएगा, दिल्ली में इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। और आज दिल्ली पुलिस की राज्य और केंद्र सरकार के ऑर्डर के बाद जो शाहीन बाग में हुआ उसका नजारा दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उखाड़ फेंक दिया है। पर जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, जब अभी एक शाहीन बाग की शाहीन से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि और
तेजी से उभर करके आएगा शाहीन बाग। ये काले कानून से डरने वाला नहीं है, हमारे लिए काले कानून ज्यादा खतरनाक है बाज़ाब्ता कोरोना वायरस के। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से दिन भर आपको रूबरू कराता रहूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।